प्रदेश में सेक्टर्स और मंजूरशुदा कॉलोनियों में स्टिल्ट्स प्लस 4 मंजिला भवनों के निर्माण के खिलाफ स्थानीय लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। अब तो बकायदा बड़े शहरों में बनाए जा रहे 4 मंजिला भवनों के खिलाफ आंदोलन खड़ा हो गया है और इसके समर्थन में 1,00,000 हस्ताक्षर करके राज्यपाल से मिलकर उन्हें ज्ञापन देने का समय मांगा गया है। अब तो आरटीआई से भी ये जानकारी सामने आई है कि प्रदेश के नगर एवं योजना विभाग ने स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला भवन बनाने का नोटिफिकेशन बिना किसी स्टडी या सर्वे के कर दिया, जिससे ये विरोध और बढ़ गया है। एक आज 4 मंजिला बिल्डिंग का है प्लान बना दी तो उसके साथ वाला जो छोटा मकान है उसको कितना डर रहेगा गिरने का, दरार आने का, कितने सीवरेज के पड़े। एक पाइप आप 7 इंची पाइप लगा दिया 10 लोगों के लिए और उस 7 इंची पाइप में होंगे 100 लोग तो वो सीवरेज कैसे कामयाब, पानी कैसे कामयाब होगा। ये सिर्फ जो प्रॉपर्टी डीलर है ना, जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, सरकार उनके हाथों बिकी हुई है, उनसे उन्हीं के लिए काम कर रही है, सेक्टर वासियों के लिए नहीं कर रही। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की स्टिल्ट्स प्लस 4 मंजिला भवन बनाकर बेचने की पॉलिसी सबसे पहले गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला में लागू हुई, जब एचएसवीपी के सेक्टर्स में पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही परिवारों का दबाव बढ़ने लगा तो लोगों को समझ आई अब विभाग के अधिकारी ही इस फैसले को रिव्यू करने लगे हैं। इससे पर्यावरण पर और गाड़ियों की पार्किंग पर, रोडों पर, सीवर पर और बिजली पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और लोगों का जीवन नरक हो जाता है। लोग गुड्डा सेक्टरों में इसलिए आए थे कि यहाँ पर जो है ना गुड्डा सेक्टरों में कुछ खुले में सांस ले सकेंगे, वो भी प्रदेश सरकार ने इसको सांस लेना बंद करने का जो है ना ये अभियान शुरू किया था। गौरतलब है कि 2017 में बनाई गई इस पॉलिसी में 1 साल के भीतर 4 बार संशोधन किए गए, इसीलिए प्रदेश में पॉलिसी के खिलाफ आंदोलन चला रहे पदाधिकारी सरकार पर बिल्डर्स लोबी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। 2017 में नया बिल्डिंग कोड लाके 1 साल के अंदर उसके अंदर 4 बार अमेंडमेंट कर दिया। 4 बार अमेंडमेंट किसके लिए किया? बिल्डरों के लिए किया। कोई ना कोई तो था जो उसको अमेंडमेंट करवा रहा था, बगैर कोई चीज अपनी पॉलिसी लाए के सरकार उसको बगैर इम्प्लीमेंट किए धड़ाधड़ 1 साल के अंदर 4 बार अमेंडमेंट लेके आ रही है, तो कोई तो करवा रहा होगा। वैसे चंडीगढ़ से सटे पंजाब के जीरकपुर में इस तरह के निर्माण के लिए आगे एनओसी ना देना और रजिस्ट्री पर बैन लगने का दावा किया जा रहा है। चंडीगढ़ से सटे हरियाणा के पंचकुला में भी प्रदेश के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने लोगों की आपत्ति पर सीएम को चिट्ठी लिखी है। और तो और पंचकुला में रह रहे पूर्व सेनाध्यक्ष वीपी मलिक भी विरोध में है कि इससे तो अथॉरिटी का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। यानी लगता तो यही है कि सरकार इस पॉलिसी पर भी यू टर्न की स्थिति में है, क्योंकि जन विरोध के सामने सहमति ही आखिरी विकल्प होता है। कैमरामैन राजेश कुमार और सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।